सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी प्री और मेंस। प्री और मेंस के लिए जो हमारी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज होती हैं, चाहे वो ओल्ड हों या न्यू हों, दोनों ही मैंने इसमें कवर की हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरे चैनल से आप लोग जुड़े होंगे तो आई होप आप यूपीएससी की प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे, आईएएस बनने का आपका सपना होगा। तो सपने की शुरुआत जो होती है वो एनसीईआरटी बुक से की जाती है। तो सारी बुक एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ एनसीईआरटीज जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनको हमें बार बार पढ़ना होता है। तो वही एनसीईआरटीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सारी एनसीईआरटी में दिखाने वाला हूँ और उनका नाम भी बताने वाला हूँ। चलिए, जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास आता है वह है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको, आपने सुना होगा टॉपर से भी कि 6th to 12th सारी एनसीईआरटीज इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6th to 12th आपको ज्योग्राफी के लिए सारी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, ध्यान देना मेरी बात पर। तो वहीं आप देख लीजिए, 6th के लिए पृथ्वी हमारा आवास, 7th के लिए हमारा पर्यावरण आपको पढ़नी है, 8th के लिए संसाधन और विकास। आगे चलते हैं, ये 8th तक हो गई। अब 9th के लिए आपको समकालीन भारत 1, ये 9th की ज्योग्राफी है एनसीईआरटी। 10th के लिए आपको समकालीन भारत 2 ये पढ़नी है। और 11th के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मूल सिद्धांत नाम से बुक है एनसीईआरटी की, आपको इसको पढ़ना है। बात करें आगे तो आपको ये 11th क्लास के लिए नेक्स्ट जो बुक है हमारी, 11th में बेसिकली दो बुक हैं, एक मूल सिद्धांत के लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और एक भौतिक पर्यावरण, ये इन्वायरमेंट भी है इसमें थोड़ा। और 12th क्लास के लिए दो बुक हैं, एक मूल सिद्धांत के नाम से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और एक भारत लोग और अर्थव्यवस्था। चलिए, ज्योग्राफी के लिए टोटल आपको ये इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है, काउंट कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, टोटल आपको 9 एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी के लिए वो पढ़नी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के लिए बेसिकली आपको, पहले ओल्ड में बता देता हूँ मैं, ओल्ड के लिए आपको 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आपको 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 12th की ये एनसीईआरटीज पढ़नी है। और वहीं बात करें कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो क्लास 12th की आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ओल्ड वाली एनसीईआरटीज पढ़नी है। ये तो हो गई दोस्तों ओल्ड। अब न्यू की बात करें तो न्यू में आपको 6th to 8th ये 3 एनसीईआरटी आपको न्यू में पढ़नी है। 6th क्लास की हमारे अतीत पार्ट 1 और 7th क्लास की हमारे अतीत पार्ट 2 और 8th क्लास की हमारे अतीत पार्ट 3, आपको ये 3 एनसीईआरटीज न्यू में, एनसीईआरटीज हिस्ट्री में पढ़नी है। बात करें न्यू एनसीईआरटीज में वहीं, तो आपको न्यू एनसीईआरटीज में 12th क्लास की ये 3 एनसीईआरटीज बुक होती हैं, ये आपको पढ़नी है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये आपको न्यू एनसीईआरटीज में पढ़ना है। तो हिस्ट्री के लिए बेसिकली आपको 3 और 3 6 और 4 10, टोटल 10 एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कवर पेज आप देख लीजिए। नेक्स्ट बात करें हम, तो सब्जेक्ट आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए बेसिकली 6th to 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, लेकिन आपका बेस अगर ठीक है तो 10th तक काफ़ी छोटी छोटी बातें बताई गई हैं, तो वो आपको इनमें मिल जाएंगी, क्योंकि 6th to 10th एक कहानी के रूप में चीज़ों को समझाया गया है, तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 11th और 12th से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 11th क्लास की ये 2 एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, एक राजनीति सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। जो रेड और येलो वाली एनसीईआरटीज है, इसको आप एम लक्ष्मीकांत के साथ पढ़ेंगे तो आपके गूढ़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात करें वहीं पॉलिटी में, तो 12th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं, तो स्वतंत्र भारत में राजनीति और ये समकालीन विश्व राजनीति, ये 2 एनसीईआरटीज 12th क्लास की पॉलिटी में आपको पढ़नी है।
तो पॉलिटी में बेसिकली चार एनसीईआरटीज हो गई आपकी, 11th की दो और 12th की भी दो, बेसिकली ये एनसीईआरटीज पढ़नी है। बात करें नेक्स्ट अगर हम अपने सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं काफ़ी काफ़ी वेटेज है इसका प्री में भी और मेंस में भी, तो उसको तो बहुत लाइटली लेना ही नहीं है, तो इसलिए ये नाइन्थ से ही आपको पढ़नी है। बेसिकली सिक्स से कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं आती, नाइन्थ से इकोनॉमिक्स की बुक आती है, तो आपको नाइन्थ पढ़नी है और टेंथ पढ़नी है। बेसिक बेसिक बुक है ये, काफ़ी आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको इनको भी पढ़ लेना है एक बार, काफ़ी छोटी बुक है आप जल्दी पढ़ देंगे। बात करें इकोनॉमिक्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी मानी जाती है, वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी। 11th क्लास की एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़नी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो रहती है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको बेसिकली तीन एनसीईआरटी पढ़नी है, 9th, 10th और 11th। 9th, 10th की आप पढ़ने के बाद, एक दो बार पढ़ने के बाद उनको रख सकते हैं, और 11th की आप बार बार पढ़ेंगे। बात करें नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स भी आती हैं, लेकिन UPSC जो क्वेश्चन बनाता है वो बेसिकली पिछले एक दो साल में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिस पर मैं वीडियो भी लाऊंगा आगे, अगर आप अच्छा वीडियो पर रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से एनालिसिस करते हैं उनका, उस पर भी वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी ही, आप बस सपोर्ट कीजिए। बात कर रहे हैं हम आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर में पिछले एक दो साल में से फाइन आर्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं UPSC के द्वारा, तो आपको इनको काफ़ी बार पढ़ना है। जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं वो ठीक है, आप पढ़िए उनको, लेकिन इनको आपको बार बार पढ़ना है, 11th क्लास की फाइन आर्ट की NCERT और 12th क्लास की फाइन आर्ट की NCERT, भारतीय कला का परिचय Part 1 और भारतीय कला का परिचय Part 2, ये दो NCERT आपको काफ़ी बार पढ़नी है। बेसिकली 11th क्लास की तो काफ़ी पढ़नी है, 12th क्लास की भी ये ठीक NCERT है। बात करें हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो दोस्तों आपको पता होगा प्री में साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। साइंस बेसिकली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर इतना फोकस नहीं करना, आपको जो फोकस ज़्यादा करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जब आप देखेंगे तो उसमें बायो के सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये 9th और 10th की जो साइंस की NCERT हैं इनमें बायो वाला पोर्शन ज़्यादा देखेंगे, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन, उससे भी क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, लेकिन बायो के क्वेश्चनों से, बायो के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एक दो साल में, तो आप इनमें बायो का सेक्शन पढ़ेंगे। बात करें वहीं अगले हमारे सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी के लिए बेसिकली जो NCERTs आती हैं वो चार NCERTs होती हैं, 11th क्लास की दो NCERTs होती हैं और 12th क्लास की भी दो NCERTs होती हैं, तो मैंने यहाँ पर केवल 12th क्लास की NCERT दी है। इसका रीज़न है क्योंकि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो 12th क्लास की NCERTs में आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैंने 11th क्लास की, अननेसेसरी आपको बर्डन होगा इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया, आप भी स्किप कर सकते हैं। 12th क्लास में जो चैप्टर आपके टॉपिक से मैच करता है वही आप पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने पास सिलेबस रखिए अपने टेबल के पास और उसमें देखते रहिए आप कि कौन सा टॉपिक हमारे उसमें आता है और वही टॉपिक आप पढ़िए उस सब्जेक्ट के लिए। और मैं वरदान सीरीज मैंने स्टार्ट की थी तो आपका अच्छा रिस्पांस नहीं आया इसलिए आगे मैंने वीडियो भी नहीं डाली, अगर आप अच्छे रिस्पांस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी बनाऊंगा। पूरे यूट्यूब पर आई होप ऐसी सीरीज़ नहीं होगी, तो आप सपोर्ट करिए बस, मैं अगली वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगा। आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर ही नेक्स्ट वीडियो बना डालूँगा आपके लिए, बस आप सपोर्ट कीजिए। तो सोसाइटी के लिए बेसिकली क्लास 12th के लिए भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये दो NCERTs आपको पढ़नी है, मैंने बताया है किस तरीके से पढ़नी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से आपने देखा होगा अगर मोस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट कोई है प्री में तो वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं, आपने पीछे देखा होगा
30 से 32, 33, 35 क्वेश्चन तक फ्री में आए हुए हैं इससे, तो उसका वेटेज बहुत हाई होता है, तो इसको तो आपको बहुत ही लाइटली लेना ही नहीं है। तो इसके लिए जो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक भी आती हैं, दृष्टि की भी आती है और काफ़ी बुक्स आती हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में तो मैं आपको एनसीईआरटीज बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटीज के लिए आप शुरुआत करेंगे तो आप क्लास 12th की बायोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं, और पूरी बायोलॉजी भी नहीं पढ़नी है, लास्ट के 2 यूनिट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट के 2 यूनिट आपको पढ़ने हैं। बेसिकली 2 यूनिट में 4 चैप्टर हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। बस यही थी हमारी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें आपके लिए, अच्छे अच्छे लेसन में लाता रहूँ आपके लिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके प्रिपरेशन में जो मदद करेंगी उन वे वीडियो भी मैं लाता रहूँ। तो इसलिए आपकी मदद बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।